आप मस्जिद के एंट्रेंस गेट को देखिए, वो आपको मस्जिद का एंट्रेंस गेट ऐसा ही दिखता है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ यादगार बनाने के लिए इसे हम कुछ बनाते हैं। और फिर उसके बाद अब कह रहा है इस फिगर में, कह रहा है कि इजेंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटिफुल। कह रहा है कि क्या इसकी जो जाली बनी हुई है इस विंडो की, यहाँ पे ये जो जाली बनी हुई है, क्या ये अच्छी खूबसूरत नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, और ये किस चीज़ से बनी हुई है, बहुत ही पतली पतली ईंटों से बनी हुई है। और इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, क्या आपने कभी पतली पतली ईंटों को देखा है। ओके, अगर नहीं देखा है तो अपने आसपास ढूंढिए और अपने घर वालों से पूछिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए कि थिन ब्रिक्स कैसे होते हैं। वो आपको, आप उसको नेट पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करके आप थिन ब्रिक्स को देखिए और अपने मम्मी पापा से पूछिए कि थिन ब्रिक्स कैसे होते हैं। उसके बाद थिन ब्रिक्स का यूज़ हम लगभग कहाँ करते हैं, हम डिज़ाइनिंग के लिए हम थिन ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। घरों की जो डिज़ाइनिंग होती है उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थिन ब्रिक का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज इज जमाल एंड कालू द मैशंस ऑफ जागृति स्कूल। जमाल और कालू जो कि कौन थे, भूल गए आप उनको? जी नहीं, आप उनको याद रखिए। जमाल और कालू कौन थे, जो कि मैशन थे, कहाँ के, जागृति के स्कूल के। जागृति के स्कूल के क्या थे वो, मैशन यानी कि मिस्त्री थे वो। सेड दैट देयर ग्रैंड फादर्स यूज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स, और उनके जो उन्होंने बताया कि जो उनके दादाजी थे उन्होंने क्या किया था, बहुत अलग अलग तरीक़ों की ईंट को यूज़ किए थे। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फोटो, और उसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि इस फोटो में क्या की गई हैं, दिखाई गई हैं। तो इसमें से अब क्वेश्चन अब कह रहा है आपसे कि विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव द कर्व्ड एजेस। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी ब्रिक है जिसका कर्व्ड एज है। कर्व्ड एज मतलब क्या होता है, कर्व्ड एज मतलब क्या होता है कि जिसकी एज, यानी अब पहले तो एज क्या होती है, एज जानने के लिए हम कह सकते हैं कि जो दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस के बीच में जो ज्वाइनिंग वाली लाइन होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे घरों में जो दो दीवारें होती हैं, वो दीवारों की जो लाइनें होती हैं, वो दीवारों की जो लाइनें होती हैं, यानी कि जो उसका कॉर्नर होता है वो क्या होता है, एज होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये अगर एक ब्रिक है, ये अगर एक ब्रिक है, तो इस ब्रिक में ये एक सरफेस हो गई और एक ये सरफेस हो गई। अब इन दोनों सरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, कॉर्नर कौन सी है, ये जो कॉर्नर है बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, एज कहेंगे। यानी कि देखिए जो ये इसकी जो ये कॉर्नर वाली चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे इसको। ये क्या है, इसकी एज है।